एक जमाने में हर साल दरियाए सिंध में पानी का बहाव 150 से 180 मिलियन एकड़ फीट डेल्टा में जाता था, जिससे वो अपने साथ 440 मिलियन टन रेत लाता था, जिससे डेल्टा बनता है। इस वक्त दरियाए सिंध के ताजा पानी का बहाव कम होकर इंडस डेल्टा में कुदरती बहाव का पांचवां हिस्सा रह गया है, जिसके नतीजे में दरियाए सिंध 17 छोटे बहाव के बजाय सिर्फ एक बहाव के सहारे बह रहा है। इसके नतीजे में तीमर के जंगलात की अराजी कम होकर अब माजी के मुकाबले में महज तीसरा हिस्सा रह गई है, यानी 2,60,000 एकड़ से 70,000 एकड़ तक पहुंच गई है। इस सूरत हाल ने मछली की पैदावारी जराए पर भी बुरे असरात डाले हैं, क्योंकि तीमर के दरख्त मछली की पैदाइश का कुदरती जरिया है। इस वक्त मछली की पैदावार 50% कम हो चुकी है। जब दरिया सिंध पर जो है वो कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं थी तो 150 मिलियन एकड़ फुट पानी से लेकर 180 मिलियन एकड़ फुट पानी जो है दरिया सिंध का जो है वो पानी आजादी से जाकर डेल्टा में जाता था और अपने साथ 440 मिलियन टन सिल्ट जो है वो लाकर डेल्टा में जो है वो फेंकता था, जिससे जो है वो डेल्टा बना, फिर क्रीक्स जो है वो बने। ये जो सिंध के कोस्टल एरिया की जो 17 क्रीक्स है वो बेसिकली दरिया सिंध की जो है वो मेन डिस्ट्रीब्यूटरीज हुआ करती थी, जिसके जरिए दरिया का पानी जो है वो समंदर को केटी बंदर से भी 100 मील दूर रोके होता था। आज से 20-25 साल पहले 2,60,000 हेक्टर मैंग्रोव जो है मैंग्रोव के जंगलात यहां पर पाए जाते थे, आज वो जंगलात खत्म होकर तबाह होकर सिर्फ 70,000 हेक्टर जाकर जो है वो बचे हैं। जहां मैंग्रोव होते हैं वहां वाइल्ड लाइफ होती है, फिशरीज की फिश की बहुत ज्यादा अकसाम है। अब उसकी मैं मिसाल ये दूं कि पाकिस्तान का जो पूरा जो तकरीबन 1200 किलोमीटर की जो अलॉन्ग कोस्टल बेल्ट है उसमें सिंध के पास सिर्फ 30% है, बलूचिस्तान के पास 70% है, लेकिन अगर आप फिश प्रोडक्शन देखेंगे तो पाकिस्तान की सिंध की फिश प्रोडक्शन पाकिस्तान के फिश प्रोडक्शन में 90% के करीब है। उसकी क्या वजह है? हमारे पास मैंग्रोव ज्यादा है। तीमर के जंगलात समुद्री कटाव को भी रोकते हैं। ये जंगलात इंसानी आबादी को समुद्री तूफान से बचाने के लिए एक कुदरती दीवार की हैसियत भी रखते हैं। खास तौर पे आप देखेंगे ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज सारी दुनिया में हो रहा है और उसमें प्रेडिक्शन ये है कि साइक्लोन्स बढ़ जाएंगे और जो मौसम की शिद्दत है वो बढ़ जाएगी, उसमें जैसे सुनामीज हैं और मुख्तलिफ किस्म के साइक्लोन्स हैं वो बढ़ जाएंगे। और सुनामी जब लास्ट टाइम आया था तो उसमें भी देखा गया था कि जहां पे तीमर के जंगलात मौजूद हैं वहां पे कम नुकसान हुआ और जहां पे तीमर के जंगलात नहीं थे तो वहां पे ज्यादा नुकसान हुआ। तो तीमर के जंगलात एक किस्म की नेचुरल बैरियर है। वफाकी हुकूमत का कहना है कि तीमर के जंगलात को मजीद बढ़ाने के लिए हुकूमत ठोस इकदाम कर रही है। इस सिलसिले में हुकूमत ने पिछले साल एक दिन में केटी बंदर और इसके इर्द गिर्द जजीरों पर 5,41,000 तीमर के दरख्त लगाए हैं, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। केटी बंदर में पिछले साल हमने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और एक दिन में हमने मोस्ट ट्रीज प्लांट किए एक नेचुरल डे लाइट में, जो कि हमने इंडिया को बीट किया। उनकी 4,74,000 उनका रिकॉर्ड था और हमने 5,41,176 दरख्त लगा के एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। वो हम उन कम्युनिटीज और उन इलाकों में हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं ताकि इसको हम जिस रफ्तार से ये खत्म हो रहे हैं कट रहे हैं उससे डबल रफ्तार में हम इनको लगाएं। माहौलियात की इसी तबाही के नतीजे में समंदरी कटाव का सिलसिला शुरू हुआ। इसके नतीजे में तकरीबन 22,00,000 एकड़ अराजी समंदर निकल चुका है। समंदरी पानी मुसलसल आगे आ रहा है। सैकड़ों देहात सफाई हस्ती से मिट चुके हैं। सिर्फ बदीन और ठट्ठा अजला में 60,00,000 लोगों ने सिंध के दीगर इलाकों में हिजरत की है। यहां लाखों एकड़ जरई अराजी बंजर हो चुकी है। सेम थोर में इजाफा होना शुरू हो गया है। ठट्ठा और बदीन की 22,00,000 एकड़ जमीन जो है वो समंदर निकल चुका है। अभी भी तेजी के साथ जो है वो समंदर आगे की तरफ बढ़ रहा है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि समंदर जो है दरिया के अंदर जो है वो तकरीबन कोई 50 किलोमीटर से ज्यादा समंदर जो है वो दरिया के अंदर आ चुका है और सिजावल की पुल भी क्रॉस कर चुका है और इस वक्त जो है वो जर्क जो है वो समंदर
क्रॉस कर चुका है। तो ये सूरतयाल सी इंट्रोजन की है, वहां पर बहुत बड़ी तबाही आई है, लोगों के रोजगार की तबाही आई है। माहौलियात की ये तबाही समंदरी तूफान को जन्म दे सकती है, क्योंकि सिंध का साहिली किनारा सुनामी लहरों के दायरे में आता है। तीमर के दरख्त ऐसी समंदरी लहरों को रोकने में भी अपना अहम किरदार अदा करते हैं। ताहम इन्हीं असरात के बाइस 1999 को यहां जो समंदरी तूफान आया, इसके नतीजे में हजारों अफराद ने अपनी जिंदगी गंवा दी। नवाबशाह, सांघड़, मीरपुर खास और बदीन अजला की 12,70,000 एकड़ जरई जमीन से खारिज होने वाला पानी, जिसमें सेम और केमिकल वगैरह के जहरीले जूस मिले हुए हैं, वो लेफ्ट बैंक आउटफॉल ड्रेन यानी LBOD के जरिए डेल्टा के इलाके से समंदर में दाखिल किया जा रहा है। LBOD के जहरीले पानी से पूरे इलाके में मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही हैं, क्योंकि सेम ज्यादा गंदे पानी के नाले में इंतहाई खतरनाक कीमियाई अज्जा शामिल हैं। जहां जहां से ये सेम नाला गुजर रहा है वहां तबाही आ गई है। इस सेम नाले की वजह से न सिर्फ जरई जमीनें बंजर हो गई हैं, बल्कि माल मवेशी भी इसके जहरीले अज्जा को पीने का पानी समझकर पीने लगते हैं, जिनसे उनकी मौत वाकई हो रही है। और इस इलाके में ताफुन भी तेजी से फैल रहा है। ये जो पानी आ रहा है ये नवाबशाह और सांगड़ से ही आ रहा है, गंदा पानी सुम नाले। ये अंदर LBOD जो बनाई हुई ये बिल्कुल सही नहीं है, ये अंदर गिर रहा है दरिया समुद्र में, तो मछली जो है वो कम हो जाती है, पहले बहुत थी, अभी ये पानी आ रहा है ना ये गंदा पानी, इसलिए बिल्कुल मछली कम है, और जो जानवर पानी पीते हैं वो भी मर जाते हैं इधर से। जो ये बंद होना चाहिए पानी, इसकी तो बदबू ज्यादा आती है, जो गरीब आवाम इसकी साइड में बैठी हुई है बेचारा बैठने के से मजबूर है, अपनी मजबूरी की हालत में बैठी है, लेकिन बैठने की कोई यहाँ जो है ना तुक नहीं बनती, जो इतनी बदबू इसकी आती है। LBOD की गलत प्लानिंग की वजह से सेमोथोर के जहरीले अज्जा समंदर में जाने के बजाय उल्टे वापिस नाले में आ रहे हैं, जिससे अतराफ की जरई जमीनों को मुसलसल नुकसान हो रहा है। कई सौ एकड़ जरई जमीनें तबाह हो चुकी हैं। यहां के पानी में इतनी बदबू है कि इंसान कुछ पल भी यहां नहीं गुजार सकता। इसी पानी की वजह से इलाके में फिजाई आलूदगी और मुतादिद जल्दी अमराज जन्म ले रहे हैं। LBOD के पानी का रंग गहरा सियाही माइल है और मुख्तलिफ केमिकल्स के बाइस इस नहर के किनारे तक काले पड़ चुके हैं। LBOD की वजह से ये सारे इलाके आबाद होते थे, उनके मावलियात तबाह हुई है, उनका रोजगार तबाह हुआ है, सी इंट्रोजन हुई है। जब साइक्लोन आया था तो सबसे ज्यादा नुकसान इस LBOD की वजह से हुआ था। तो ये LBOD तो एक काला सांप है, इससे जो है वो बहुत बड़ी तबाही माजी में भी आई है, अब अगर फर्दर जो है ना इसको इसी तरह जारी रखा, इसको बंद ना किया, तो और भी ज्यादा जो है वो तबाही जो है वो आ सकती है।